देख थोड़ा ठीक रहा हूँ मैं। यहाँ पे हम लोग मेरा व्लॉग देख रहे हैं रात। भाई केक कैसा है? पीछे वाले से पूछना पड़ेगा। वाह वाह क्या मस्त मौसम है आज। ओ सुबह के सिर्फ 10 बज रहे हैं और मेरे को एकदम अलग ही फील हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि धूप पता है कुछ ज्यादा मस्त चमक रही है आज। लेकिन रोड इतना सुनसान क्यों है भाई? वैसे तो गाड़ियाँ चलती रहती है, आज कुछ भी नहीं चल रहा है यहाँ पे। मेरी आंखें सूजी सूजी दिखाई दे रही है, क्योंकि मैं अभी सो के उठ के आ रहा हूँ ना, इसीलिए मेरी आंखें ना मेंढक की आंख की तरह आ गई है भाई, ऐसा फील हो रहा है मेरे को इस समय। सबसे बड़ा पंगा ये है कि यहाँ पे टेम्पू बहुत ज्यादा आगे जाके मिलता है। ओह आगे जाके मिल गई। वहाँ पे क्या है दिख रहा है? वहाँ पे कुत्ते देखो मस्त धूप सेक रहे हैं और यहाँ मैं ठंड में बैठा हुआ हूँ। वैसे धूप तो यहाँ पे भी आ रही है लेकिन मजा आ रहा है। अभी अंकल मेरे को कहाँ छोड़ रहे हो यार? तो बहुत बकचोदी है भाई। निकलते थोड़ा आगे की तरफ, पीछे की तरफ, आगे की तरफ नहीं। मुझे वाकई में आगे जाना था, मैं पीछे की तरफ चला गया और ये धूप पता है सीधा कैमरे पे चमक रही है, इसी के चक्कर में पता मैं ब्लैक आ रहा हूँ इस समय। पता है वैसे मेरे को वहाँ जाना है, अब मैं वहाँ पता कैसे जाऊंगा इस वाले रास्ते से, और यहाँ बीच में पानी भरा है इसके चक्कर में जा नहीं सकते, लेकिन एक ट्राई मार के देखते हैं। पहले कूद जाओ यहाँ पे। चलो भाई वहाँ से कूद के मैं आया, अब निकलते यहाँ से आगे, बस वहाँ बीच में पानी नहीं होना चाहिए। ओके लग रहा है मैं फंस गया। वो क्या बात है, क्या फंसा हूँ मैं? अरे नहीं ये तो आराम से पार हो जाएगा। वो सही जगह पहुंचा सही रास्ते से, जहां मेरे को 19 मिनट लग रहे थे वहां पे मैं सिर्फ 2 मिनट में पहुंच गया। नीचे चलो। सुधांशु मंगे क्या है? ये बैड वर्ड साइड कर दिए। फाइनली मैं घूमता फिरता पता पहुंच गया यहाँ तक। अरे मेरा ऑर्डर कहाँ है? वो कहाँ जाती क्या क्या काम रहे हैं क्या? ये रही। दो है। अच्छा ये भी है, ये मुंह पे लगाने वाला, ये मुंडे पे लगाने वाला। ये भयंकर तो लड़की कैसी लग रही है? ओ कैसी लग रही है क्या? बनीली नाम थोड़ा अजीब है, देख थोड़ा ठीक रहा हूँ मैं। ओ अच्छी है ये तो। अब कैसा लग रहा हूँ मैं? लग रहा हूँ ना चोर। वो सही लग रही है, ऐसी पहनते हैं पता है इसको, यहाँ तक थोड़ा नीचे भी कर सकते हैं, वो ऊपर भी ठीक है ना। प्राइस क्या है इसमें? ये रहा ऊपर 200। बैग में रखते इसको। कॉफी है चाची? कॉफी कोई बात नहीं जो मैं। ओए केक कैसा है? केक आधा बनाया क्या? नहीं हलो खा लेते हैं तब तक। एक इसे वो काट ले ले। ना ना रान दो। ना 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 सुबह सुबह केक कौन खाएगा अभी? वो सुबह का ब्रेकफास्ट ना मिस हो जाता है, ऐसा सुबह का ब्रेकफास्ट मिस कर देता हूँ मैं। मैं नहीं सारे ही करते हैं, जो 1 बजे की शिफ्ट में जाते हैं ना वो सोते रहते हैं, और क्योंकि वो रात को आते 12-1 बजे हैं। नया वाला ब्लॉग देखा जहाँ पे मैं वाटरफॉल पे गया था? बैंक में किस लिए? ना ना तो जाते रहेंगे, मैं तो जा रहा हूँ अपनी शिफ्ट पे। आ जाती ठीक है, मिलते हैं फिर जाते हैं। ठीक है अब मैं वहां से नहीं जाने वाला जहाँ से मैं आया था, क्योंकि पता है सेम ही पड़ता है दोनों के दोनों रास्ते। मसाज करवानी होना इनके अंदर बैठ जाना, इतने वाइब्रेट करते हैं। बस मेरे को मिल जाना चाहिए जाने के लिए, क्योंकि तो यहाँ पे पंगा पता है क्या, यहाँ पे लक्ष्मण झूला के लिए कोई रिक्शा नहीं मिलता, पीछे वाले से पूछना पड़ेगा। अंकल लक्ष्मण झूला बहुत पंगा है सही में, आगे जाना पड़ेगा अब मेरे को। भैया लक्ष्मण झूला, लक्ष्मण झूला इस वाले से पूछते अब। भैया लक्ष्मण झूला अब इस वाले से पूछ के देखते हैं। ये तो इसने तो देखा ही नहीं, सीधा चला गया। यहाँ पे सही में गंदा फंस गया, कोई बंदा पता यहाँ पे लक्ष्मण झूला ही नहीं जा रहा। One eternity later. Finally मुझे कोई तो मिला यहाँ पे। Many months later. लाइट चलाते हैं पहले।
What's up everybody, welcome to not the blog. तुम्हें कुछ अलग दिख रहा है रूम पे? जरूर दिख रहा होगा क्योंकि पता है फिलहाल मेरा रूम चेंज हो चुका है। वो मैंने अपने एक ब्लॉग में बताया था कि मैं इस रूम पे शिफ्ट हो सकता हूँ। मेरा कहने का मतलब है इस वाले रूम पे। फिलहाल के लिए तेरा भाई हो चुका है इस रूम पे शिफ्ट। अब देखते हैं कब तक रहते हैं यहाँ पे। ओ फिलहाल तो मैं शिफ्ट पे था। नहीं सॉरी, मेरी शिफ्ट पता है अभी खत्म हुई है। लेकिन रूम की सबसे मस्त बात पता है मेरे को क्या लगती है? यहाँ टीवी है लेकिन मैं देखूंगा नहीं। वो तो फिलहाल तो मेरा सोने का टाइम हो चुका है और सोने में जाऊंगा थोड़ी देर बाद। फिलहाल तो मेरे को पता है मूड कर रहा है मैं बाहर जाऊं और थोड़ा घूम के आऊं। वहीं निकलते फिर। ये शेफ का बैग ठीक कर देता हूँ एक बार, लाइट बंद करते हैं और निकलते हैं बाहर। रात के 10:30 बज रहे और मैं यहाँ रोड पे आ चुका हूँ। मुझे लगा था रात को ठंड होगी लेकिन पता है आज भी ठंड नहीं है, और जब मैं उस समय आया था उस समय भी ठंड नहीं थी। और मैंने सोचा मैं प्रियांशु को कॉल करके बुला लूँ लेकिन बंदे का जो फोन है ना वो जा रहा स्विच ऑफ। तो मैं पता क्या सोच रहा हूँ कि मैं बंदे के यहाँ पे चले जाऊँ। अब मैं एक बार जाके देखता हूँ, नहीं तो मैं अकेले ही निकल लूंगा। एक बार मैं पूछ के आता हूँ वैसे बंदे को चलेगा नहीं चलेगा मेरे साथ। क्या कर रहा है? मैंने फोन लगाया स्विच ऑफ क्यों जा रहा तेरा फोन? कैसे भाई? मैं बाहर जा रहा था घूमने, मैंने सोचा एक बार तेरे को फोन करके बुला लूं। चल निकलता हूँ मैं, ठीक है। तो सीन ये है, बंदे का जो फोन है ना वो खराब हो चुका है। अब कमाल देखो, फोन ठीक होने के बाद खराब हुआ, और जब वो खराब था तब वो फोन ठीक था। क्योंकि बंदे के फोन में ना बैटरी का इशू आया, और जब बंदे का फोन टूटा था ना तब बंदे के फोन की बैटरी बड़ी लंबी चली थी। लेकिन जब से बंदे ने फोन बनाया उसके बाद से बंदे का फोन पता है चला ही नहीं। मैंने उसे आज 2-3 बार कॉल लगा के देखा था, तो फिर पता उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। मुझे लगा शायद हो गया होगा क्योंकि उसके फोन में हमारी प्रॉब्लम आ रही थी। कोई बात नहीं, फिलहाल मैं यहाँ से निकलता हूँ और मैं पता ज्यादा दूर तक नहीं जाऊँगा, बस वहीं पास तक जाऊँगा। वैसे पता है मैं राम झूला तक आ चुका हूँ और मैं आगे नहीं जाने वाला, यहाँ से निकलेंगे सीधा वापस क्योंकि मैं राम झूला जाऊँगा सुबह। ट्रक देखो कितने बड़े बड़े चल रहे हैं यहाँ। ओए कहाँ जा रहा है? ओए आजा। चलिए ऊपर, इसका दोस्त भी यहीं पे बैठा है। बैकग्राउंड में हवा की आवाज़ सुन रहे थे तुम कितनी तेज आ रही थी, देखो अभी भी आ रही होगी। A few moments later. सामने कार वाला दिख रहा है वो बंदे ने पता है मेरे को रोक के बुलाया और पूछा पीती वीती कहाँ मिलेगी। बंदा देखो कितना धीरे चला रहा है। तो पहले तो मेरे को समझ नहीं आया बंदे ने बोला क्या, फिर मैं समझ गया बंदा दारू मांग रहा है। फिर मैंने पूछा दारू, तो बंदे ने कहा हाँ। फिर मैंने बोला मेरे को पता तो नहीं वैसे कहाँ मिलती है क्योंकि यहाँ पे तो मिलती नहीं है। फिर मैंने बंदे को बताया ढाल वाला की तरह मिल जाएगी, लेकिन बंदे ने कहा वहाँ से तो मैं वैसे आ चुका हूँ। और रात को भी कमाल के बंदे मिल रहे मुझे। यहाँ पे हम लोग मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, रात को पूरा नहाया था मैं, देखना पूरा नहाया था। एक बार यहाँ का सीन दिखा दो तुम्हें। यहाँ पर है बालकनी लेकिन कोई इतना मस्त व्यू नहीं है, लेकिन ठीक ठाक। ओके फ्लैश मैंने बंद कर दिया। ओके लोग जा रहे हैं यहाँ पे, ये रही बालकनी, यहाँ पे बैठो मस्त व्यू के मजे लो। और निकलते हैं पानी लेने, ये 2 केटल में लेके आना पड़ता है। मैं सोच रहा हूँ बॉटल ले लूँ एक। और ये बेड की देखो कैसी हालत कर रखी है मैंने, एसी चलाने की जरूरत नहीं है क्योंकि पता है सर्दियाँ हैं। एक और चीज़ कूल लगती है मेरे को, ये देखो प्रेस किया पूरे रूम की लाइट ऑन। और ये सिस्टम पता है मैं बहुत टाइम से चाहता था कि सब कुछ बेड के पास हो, यहीं से स्विच ऑन ऑफ हो जाए। वो फिलहाल निकलते हैं सोने।